जख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं है पूरी जिंदगी, ठीक है, और वो हरे कैसे रहते हैं, उन्हें भरने कौन नहीं देता। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जुग जुग जियोगे बारे में। तो जी हाँ, ट्रेलर रिलीज हो चुका है जुग जुग जियोगे का, मूवी भी जल्दी आने वाली है, वो हम आपको एंड में बताएंगे कब रिलीज होगी, ठीक है। चलिए ट्रेलर देखते हैं, इसके बाद बात करेंगे मूवी के बारे में, कैसी लगी हमें ट्रेलर, कैसा लगा मूवी में, क्या होने वाला है क्या नहीं। ठीक है गाइस, तुम दोनों बिना शर्माए एक साथ बताओगे कि तुम्हें एक दूसरे से क्या चाहिए। 1 2 विनी की शादी के लिए घर जा ही रहे हैं। उसकी शादी हो जाने तक इस डिवोर्स के डिसीजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। कौन से पापा अपने बच्चे के डिवोर्स के बारे में सुनने के लिए जोन में होते हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना, कब ये बीवियां शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? पापा आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। अरे ये बीवियां मुंह से निवाला छीन ले, तू बात की बात कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल पता है कौन सा है? कौन सा उधर? घर वाली। क्यों? क्योंकि उसे बार बार मनाना पड़ता है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स कर रहा हूँ। मेरा और मैं एक दूसरे से, तू समझ रहा है ना? हम दोनों पापा की गोद में बैठ के बड़े हुए, अब वो टीचर आके पापा जी की गोदी में बैठ गई है, अब पापा जी बड़े हो रहे हैं। जितने भी नचते ने सारे कोई नहीं हो तेरे जैसा लगदा। मुझे समझ आ गया पापा जी की प्रॉब्लम क्या है। मतलब पापा जी ठरकी हो गए, ठरकी कुकू ठरकी। तेरे और नैना के बीच में सब ठीक है ना बेटा? अगर तुझे कुछ टिप्स चाहिए ना तो अपने पापा से ले लेना, पुराने खिलाड़ी हैं, अच्छी सलाह देंगे। तेरी माँ मीरा से मिलना चाहती है। मीरा कौन है? पापा जी की गर्लफ्रेंड। वो तेरी मोनू थी। दुनिया में जी हिट है पंजाबी साज। रिश्ता टूटने की कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सी अधूरी लड़ाइयों की थकान होती है बस। डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं? नहीं तो कौन? ये दोनों और कौन? तुम दोनों कान खोल के सुनो, तुम दोनों इस घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना कभी तलाक होगा। गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड तो जरूर देखने वाले हैं ये मूवी। तो दोस्तों मूवी आ रही है 24 जून 2022 को, ट्रेलर था सुपर हिट। हाँ, बिल्कुल ठीक है। घर के जो समस्याओं से जूझ रहे हैं ना मर्द, वो समस्याएं दिखाई हुई, मतलब जो तो ना दिखाई हुई है, पता नहीं दिखाई हुई बात जरूर हुई है उनके बारे में। कसम से गाइस इतना खुश हो रहे थे ना वो जब बीवी के ऊपर, आप बड़े दुखी हो मुझसे। नहीं दुखी वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं है पूरी जिंदगी, ठीक है, और वो हरे कैसे रहते हैं, उन्हें भरने कौन नहीं देता, इस बात का जवाब मेरे दोस्त देंगे कमेंट्स में, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कमेंट्स में आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। मेरी तरह जो दूसरे हैं, भरी पड़ी है ये दुनिया मेरे जैसे लोगों की, तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ दोस्तों हमारे जख्मों को कौन नहीं भरने देता, ठीक है। मेरी पिटाई होने वाली। तो ट्रेलर काफी अच्छा था दोस्तों, जोक्स अपार्ट, लेकिन ट्रेलर काफी अच्छा था। और अब मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस मूवी के बारे में बोल रहा हूँ, ट्रेलर मूवी का ही था।
गाइस मतलब देखो उसकी मम्मी बोलती है कि ना अपने पापा से सजेशन ले ले रही, ये नहीं पता कि खुद के घर बर्बाद होने पे तुल रहा है, मम्मी को पता ही नहीं है ना। और मूवी तो पूरी कॉमेडी कॉमेडी था ही है ना मूवी में। और उसमें एक डायलॉग था जब वो बोल रहा है, मतलब उसका भाई हीरो का भाई बोल रहा था वो कि भाई हमें नहीं पता था कि आ सकता हूँ मैम की गोदी में बैठ के पले, और पापा की गोदी में मैम पलेगी। यार मतलब इमेजिन कर रही मैं कैसे से लगेंगे, मतलब काफी अच्छी अच्छी पंचलाइन ली हुई है, काफी अच्छी अच्छी मूवी है, तो मूवी कॉमेडी होने वाली है बहुत सुपर डुपर। वरुण धवन जैसे यंग कलाकार है, और जब वो बोल रहे हैं अच्छा वरुण धवन है इसके अंदर है ना, और जब वो बोल रहे हैं कि भाई डाइवोर्स के बारे में अनिल कपूर ऐसे पीछे मुंह करके खड़े रहते हैं, तो बोलते हैं ये ना डाइवोर्स लेने की बात करें, कौन नहीं तो फिर बाद में पता लगता बच्चों के बारे में उसको लग रहा था कि वो मेरी बात कर रही है कि मैं को डाइवोर्स चाहिए। तो मूवी अच्छी है, ट्रेलर अच्छा है, कॉमेडी होने वाली है, जरूर देखेंगे दोस्तों। हाँ ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।